हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सुबह सुबह नींद से उठ गए दोस्तों। आज सोचा एक ब्लॉग बनाते तो हम लोग जाएंगे बाहर। अभी बाहर जाने से पहले सोचा एक वीडियो बना लेते, आप लोगों को दिखाना है ब्लॉग, छोटा कोई भी मिनी ब्लॉग बनाना है। चलिए बाहर मिलते हैं दोस्तों। अभी हम सीढ़ी से उतर रहे दोस्तों, सीढ़ी से नीचे जा रहे, नीचे जाके बाइक लेके जाना है, बैंक में जाना है। अभी बाइक के पास आ गए हम, बाइक नीचे रहता है तो बहुत धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो थोड़ा बाइक को भी साफ कर लेना ज़रूरी है, वही वीडियो बना रहे। चलिए अभी रोड पे जाते हैं भाई। पीछे ये देखिए ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज भी आप लोगों ने बहुत बार वीडियो में देखा होगा मेरा वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत वेदर है, ज़्यादा धूप भी नहीं, मज़ेदार वेदर है। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी से, बहुत कुछ करना है दोस्तों, बहुत मज़ा आता है ऐसा सुबह सुबह थोड़ा निकालने में। अभी देखिए, ये देखिए इस्कॉन मंदिर, आप लोगों ने इससे पहले भी मेरा वीडियो में देखा होगा, ये गणपति भगवान का पैंडल हुआ था। तो फिर वहाँ से होने के बाद थोड़ा बैंक में भी काम था मेरा, TGS भी सरकारी बैंक में थोड़ा काम था, ये बैंक पे आ गया हूँ। थोड़ा बैंक का काम करने के बाद, हम बैंक से निकालने के बाद फिर पहुँच जाएंगे रोड में, फिर वही मंदिर का सामने से निकल रहे अभी हम लोग। यहाँ पे गणपति भगवान का बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, बहुत बड़ा मंडप है ये, इस्कॉन मंदिर बना हुआ है। अभी यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग करेंगे नाश्ता, एक फास्ट फूड सेंटर में जाएंगे। देखिए अभी पहुँच गए हम फास्ट फूड सेंटर में, दोनों ऑर्डर किए हम लोगों ने, ये बड़ा मिसल पाव, बड़ा मिसल पाव मुंबई का बहुत फेमस है, और वाइफ के लिए ये पूरी भाजी, पूरी भाजी, बड़ा मिसल पाव। देखिए अभी मिसल पाव दोस्तों, हम मिसल पाव खाएंगे, बड़ा मिसल, बहुत ही प्यारा, टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनाया था ये लोगों ने। फास्ट फूड सेंटर और वाइफ खा रहे पूरी भाजी, पूरी भाजी खाने के बाद फिर आइसक्रीम लिया हम लोगों ने, ये कासाटा, कासाटा स्लाइस, और ये है मटका कुल्फी, मटका कुल्फी बहुत ही मज़ेदार खाने में था दोस्तों, पूरी भाजी भी, मिसल पाव भी, और ये मटका कुल्फी। वाइफ खा रहे बोला हाँ बहुत अच्छा है, और ये कासाटा, ये भी बहुत खाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। आप लोगों ने ये कासाटा खाया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। हम लोगों ने बैंक से आने के बाद ये नाश्ता किया, मटका कुल्फी और ये सब पूरी भाजी खाने के बाद फिर अभी निकल पड़ेंगे वो दुकान से, फास्ट फूड सेंटर से निकल के अभी आ गया हम लोग दोनों एक मंदिर में, बहुत ही प्यारा मंदिर है बजरंग बली जी का, बजरंग बली जी का मंदिर में। देखिए कितना बड़ा मूर्ति है बजरंग बली का, ये बहुत बड़ा मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है बजरंग बली जी का। देखिए बजरंग बली जी का मूर्ति ये मंदिर में, मैं इससे पहले एक बार गया था तो वाइफ को लेके फर्स्ट टाइम गया यहाँ पे बजरंग बली जी का मंदिर में, बहुत ही प्यारा मंदिर है, मन को एकदम शांति मिल जाता है यहाँ पे आने के बाद। देखिए बजरंग बली जी का कितना सारा मूर्ति है, ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटा मूर्ति है बजरंग बली जी का, बहुत ही प्यारा। सब मिलके बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए यहाँ पे भी बजरंग बली जी का मूर्ति है। फिर उसके बाद हम जाएंगे हमारा सबका, आपका सबका फेवरेट भगवान भोलेनाथ जी के पास, भोलेनाथ जी के पास। देखिए गधा कितना बड़ा है बजरंग बली जी का, बहुत बड़ा मूर्ति है। और अभी भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे यहाँ पे, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, ये मंदिर का घंटा है, हम थोड़ा बजाएंगे 3 बार, फिर दर्शन कीजिए भोलेनाथ जी का आप लोग, बहुत ही प्यारा मूर्ति है भोलेनाथ जी का, दर्शन कीजिए। और सब साथ में मिलके बोलिए जय सियाराम, जय भोलेनाथ जी, ओम नमः शिवाय। ये प्रदीप बोलते हैं हम लोग बंगाली लोग, दिया, ये नंदी महाराज यहाँ पे बैठा हुआ है, ये गणेश भगवान यहाँ पे बैठा हुआ है, ये शेषनाग का मूर्ति है। फिर हम दिखाएंगे आप लोगों को भोलेनाथ जी का त्रिशूल, देखिए भोलेनाथ जी का त्रिशूल कितना बड़ा है यहाँ पे। फिर छोटा भोलेनाथ जी का एक छोटा सा मूर्ति है, देखिए वाइफ हाथ में लिया था,
बहुत ही प्यारा जगह है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह भगवान का। अभी एक बार राउंड मार लेंगे मंदिर में क्या क्या है। यहाँ पे एक माता जी का मूर्ति है, देखिए कितना खूबसूरत जगह है। पहाड़ के ऊपर है दोस्तों, पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर, बहुत प्यारा जगह, बहुत प्यारा। नया मंदिर बाजू में बन रहा है, फिर वहाँ से हम लोग अभी नीचे जाएंगे। नीचे और एक मंदिर है वहाँ पे, आप लोग दर्शन कीजिएगा। ये नीचे जाएंगे अभी। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग बताइएगा। बहुत ही प्यारा मंदिर है बजरंगबली जी का, बहुत बड़ा मूर्ति है। इतना बड़ा मूर्ति कैसे बनाया, मैं तो देख के हैरान हो गया। बहुत बड़ा मूर्ति, बहुत बड़ा। आप लोग सामने से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना लंबा, कितना बड़ा मूर्ति है। जय श्री राम, देखिए कितना बड़ा भगवान का मूर्ति है। फिर वहाँ से एक नया मंदिर में आ गए हम। यहाँ पे भी भोलेनाथ देवी माता का मूर्ति है। यहाँ पे एक नंदी महाराज बैठा हुआ है, एक भाई उनको बहुत प्यार कर रहा था। और दोस्तों यहाँ पे घूमने का मज़ा, मन को इतना शांति मिलता है ना। सुबह सुबह अगर यहाँ पे आएंगे ना दोस्तों, आप लोगों को मन में अगर कोई और रहेगा, तकलीफ रहेगा, तो सब दूर हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। बहुत ही मज़ेदार जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और एक तालाब दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पे भगवान का विसर्जन होता है, जो गणपति भगवान का, जो मुंबई में गणपति भगवान का जो विसर्जन है, ही तालाब में होता है, भिवंडी का। बहुत ही खूबसूरत तालाब है। यहाँ पे आप लोग फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ घूमने आएंगे शाम के टाइम, तो आपका मन में एकदम, क्या बोलूँ, मन का जो शांति, एकदम शांति मिल जाएगा आप लोगों को। फिर हम लोग यहाँ से अभी निकल जाएंगे घूमने के बाद। बहुत मज़ा आया, सुबह सुबह नाश्ता किया और मंदिर में घूमा, तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग आइए, भिवंडी में है जगह। और ये देखिए भगवान जी को अभी प्रणाम करके हम लोग घर के लिए रवाना होंगे। और नीचे एक भोलेनाथ जी का छोटा मंदिर है, ये भी दर्शन कर लीजिए। ये अभी पहुंच गए दोस्तों हम घर पे। चलिए आज का ब्लॉग, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए।